अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज बनने लगे हैं दही भल्ले घर पे। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, बाज़ारी स्टाइल पे चटनियों के साथ। तो आपने क्या करना है, रेडीमेड पकौड़ी ले लेनी है और उसे आपने पानी में सोक कर देना है 15 मिनट के लिए। और अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप इसमें गर्म पानी शामिल कर दें तो जल्दी सोक हो जाती हैं और नरम पड़ जाती हैं। तो इसको इस तरह करके आपने स्टेन कर लेना है। दही में हम शामिल करेंगे 1 चम्मच चाट मसाला। अगर आपका आपके चटनी में चीनी ना हो तो 1 चम्मच आधी चम्मच चीनी भी ऐड करेंगे। और हमने एक आलू बॉईल कर लेना है और उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। थोड़ी सी बंद गोभी बारीक बारीक काट लेंगे और प्याज बिल्कुल बारीक काटेंगे जो ऊपर हमने सेट करेंगे। ये इमली जिंजर सॉस है, इससे दही भल्लों में बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, ये ज़रूर ट्राई करें। अब ये दही में भी हम 1 से 2 चम्मच ऐड कर देंगे और फिर से मिक्स कर देंगे। अब दही में पकौड़ियाँ या बूंदी, जो भी भल्ले वगैरह आपके पास हैं, मुझे भल्ले पसंद नहीं है, मैं ऐड नहीं करती, जिसको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं, वो ऐड करते हैं दही में और हल्के हाथों से इसे मिक्स करें ताकि टूटे ना। स्पाइसी बनाना था तो ऐड कर दिया। अब आलू बॉयल हुए हुए हम इसमें ऐड करेंगे। कुछ लोग इसमें बॉयल चने भी ऐड करते हैं, वो भी अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हैं। बंद गोभी और ये प्याज, थोड़ा सा चाट मसाला और ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। ये लें जी मज़ेदार दही पकौड़ियाँ घर पे तैयार। बाज़ार से बिल्कुल ना मंगाएं, घर पे बनाएं, साफ़ सुथरा ख़ुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। दुआओं में याद रखें और ज़रूर ट्राई करें, और अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं।